कब तक ऐसे इंतजार करते रहेंगे? हमें जल्द से जल्द बम के धमाके से इस सोए हुए शहर को जगाना होगा। हाँ, अमर चाहता तो मैं भी यही था। मैं बम को वहां से निकालने की तरकीब सोच ही रहा था कि लतीफ का फोन आ गया। उसने मुझे बताया कि एयरफोर्स वालों ने अभिमन्यु गद्दार समझकर गिरफ्तार कर लिया है और अभिमन्यु अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए समीरा की मदद चाहता है। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, बच्चों को अपने कब्जे में लिया और समीरा को अभिमन्यु के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर कर दिया। तो बहुत जिद्दी लड़की है भाई, अगर उसने सच बोल दिया तो अभी तो छूट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक ये बच्चे मेरे कब्जे में हैं, समीरा अपना मुंह नहीं खोल सकती। वो हॉक्स की ऑफिसर है उमर, अपने एक साथी को बचाने के लिए इन बच्चों को मौत के घाट नहीं उतरवा सकती। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे डिफेंस और होम मिनिस्ट्री बहुत नाराज है, इसलिए मैंने हॉक्स की स्पेशल मीटिंग बुलाई। सर, आपने समीरा को नहीं बुलाया? अब तो वापस आ चुकी है, उसके बिना हॉक्स की मीटिंग कैसे हो सकती है? जैसा कि आप जानते हैं, हॉक्स का इंचार्ज मैं, इसलिए यहाँ पर मेरे तौर तरीके चलेंगे और मैं ये डिसाइड करूंगा कि हॉक्स की मीटिंग में कौन शामिल होगा और कौन नहीं। पिछले कुछ दिनों में समीरा बहुत सारा वक्त आतंकवादियों के साथ गुजार कर आई है, इसलिए उसे ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पहले मैं सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर से उसकी जांच करवाना चाहूंगा। मैट्रिक्स लेकर बेस पर लौटने तक उसके साथ क्या क्या हुआ, वो किन हालात से गुजरी, जब तक इन सारी बातों का खुलासा नहीं होता, समीरा को हॉक्स की किसी भी मीटिंग में मैं शामिल नहीं करूंगा। लेकिन सर, समीरा पर तो कोई चार्ज नहीं और वो तो खुद आतंकवादियों का विक्टिम है, तो फिर उससे किस तरह की पूछताछ और क्यों सर? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है ईशा, और मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, मुझे अपना काम आता है। और जहां तक हॉक्स में जिस तरीके से काम होता आ रहा है, आज से वैसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हॉक्स ने अपनी क्षमताओं से कम काम किया। हमें इस टीम को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा मुस्तैद बनाना है, राइट? I'm sorry, sir. मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, तुम मेरी कौन सी बात से इत्तेफाक नहीं रखते? क्या मैंने सही नहीं कहा कि हॉक्स ने आज तक अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया? अगर ऐसा होता तो अभिमन्यु अधिकारी जैसा गद्दार और देशद्रोही ऑफिसर हॉक्स का लीडर नहीं बनाया जाता। अगर हॉक्स ने सही तरीके से अपना काम किया होता, हैदर शेख जैसा खतरनाक आतंकवादी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हार ना निकलता। आतंकवादियों के हमले की वजह से वीर प्रताप सिंह कोमा में नहीं जाते। क्या इतनी सारी नाकामियां ये साबित नहीं करती कि हॉक्स ने सही तरीके से अपना काम नहीं किया? और मैं इसका सारा दोष वीर प्रताप सिंह को दूंगा। अगर वो अपनी जिम्मेदारी और फर्ज ठीक तरह से निभाते तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने तुम लोगों को बहुत सारी छूट दे रखी थी, लेकिन तुम लोग मुझसे ही उम्मीद मत रखना। You get me? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। The meeting is dismissed. You may go now. Sir. सम्राट, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। Great. तुम्हें सही सलामत देखकर सचमुच बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कौन से पेपर्स है फरहान? तुम लोग रिजाइन करें? क्यों? क्योंकि
हमें वीर सर पर और अभी को हम पर भरोसा था। हम उनके कहने पर अपनी जान भी दे सकते थे, मगर नए ऑफिसर करण त्रिवेदी को हम पे भरोसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनके दिल में वीर सर और अभी के लिए जरा भी इज्जत नहीं। हम ऐसे ऑफिसर के अंडर काम नहीं करना चाहते। और जो अभी के साथ हुआ उसके बाद हम भरोसा खो चुके। प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो, हॉक्स को तुम लोगों की बहुत जरूरत है। प्लीज शिखा, तुम हमें नसीहत ना दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस हाल में अभी आज है उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। ईशा, तुम लोगों को शिखा के बारे में कोई गलत फहमी हुई। जब वीर सर ने शिखा को माफ कर दिया तो तुम लोग क्यों नाराज हो? समीरा, वीर सर का दिल बहुत बड़ा है, मगर हमसे ऐसी उम्मीद मत रखना। फरहान, आई थिंक तुम दोनों इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम दोनों को सच्चाई पता ही नहीं है। जब शिखा से तुम वीर सर और अभी की सच्चाई सुन लोगे तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तुम दोनों बहुत कुछ नहीं जानते हो। सच्चाई ये है कि अभिमन्यु अधिकारी देशद्रोही नहीं है। होना ही सुनकर, लेकिन यही सच है, सम्राट ही जहांशेख है। के मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी मैं सम्राट तुम्हें सौंपता हूं। इसलिए आज से आप सबका नया लीडर सम्राट सिंह शेखावत होगा। अगर अभिमन्यु और समीरा नहीं पकड़े गए ना तो जान शेख भी नहीं बचने पाए। जहां शेख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने हम सबको बदनाम किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा जहां शेख। तुमने सारे ऑक्स को बदनाम किया जहां शेख, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ये मैंने क्या कर दिया? जो अपने थे उनके साथ गद्दारी की और पराया हो गया। अब मुझे सब कुछ सही करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। भाई, खुदा खैर करे, अब हमारा इस इलाके में रहना ठीक नहीं। क्या हुआ? एयरफोर्स वालों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर छाए हुए हैं। वीर की जगह कोई नया ऑफिसर आया है, कोई करण त्रिवेदी। अब हॉक्स की बागडोर उसके हाथों में है और हमारी धरपकड़ के लिए उसने जोर शोर से मुहिम चला रखी है।
काश इस वक्त जहान हमारे साथ में होता तो हमें फिक्र नहीं करनी पड़ती। धरपकड़ की खबर मैं पहले ही दे देता और हमें ठिकाना खाली कर देते और एयरफोर्स की टीम जो यहाँ आती वो खाली हाथ वापस जाती। आज मुझे जहान की कमी बहुत खल रही है। तो ये लोग यहां तक पहुंच गए। ऐसे हालात में हमारा यहां से निकलना ठीक नहीं है, वो हमें आसानी से पकड़ लेंगे। भाई अब क्या करना है हमें? बस खामोशी के साथ उनके अगले कदम का इंतजार करेंगे। वैसे भी ये बच्चे जब तक हमारे साथ में हैं, वो तो क्या उनका खुदा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ी चोट पहुंची होगी जहान को मेरे इस फैसले से। पता नहीं इस वक्त वो कहां होगा और मेरे खिलाफ कौन सी नई साजिश कर रहा होगा। क्यों आए हो यहां? अब क्या चाहते हो तुम? मुझे मेरे देश की कसम है, यहां से चले जाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। क्या हुआ? अपनी शक्ल दिखाने से शर्मा रहे हो? कहां गई थी तुम्हारी शर्म उस वक्त जब दोस्त बनकर हमें धोखा दिया था तुमने, हमारे प्यार हमारे अपनेपन का फायदा उठाया था तुमने? शर्म नहीं आ रही थी उस टाइम? शर्म नहीं आ रही थी उस वक्त? हाँ, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैंने भी किसी पर भरोसा किया था, खुदा से ज्यादा। हाँ, मैंने तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हें इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई मेरा बाप बनकर मेरी पूरी जिंदगी मेरा इस्तेमाल करते गया और मुझे पता भी नहीं चला। जिस इंसान को मैं खुदा मानता था, जिनकी हर ख्वाहिश को मैंने इबादत मानकर पूरा किया, वो इंसान नहीं, एक जुनून से भरा हुआ दरिंदा है जिसने मेरा इस्तेमाल किया। मैं उसका बेटा नहीं हूं। उसने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। अभी मैं खुद किस्मत का मारा हूं। मेरे आज दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम मुझ पर तरस मत खाओ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये लो, मार दो मुझे, खत्म कर दो जहान शेख को और आजाद कर दो सम्राट को। आजाद कर दो मुझे इस घटिया घिनौनी जिंदगी से। सोचो मत, अभी खत्म कर दो मुझे। अगर मुझे तुम्हारे हाथों मौत मिलेगी तो मुझे खुशी होगी कि हॉक्स के ईमानदार ऑफिसर के हाथों मुझे मौत मिली है। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सच, अभी मेरी जिंदगी एक मजाक बन गई है। जिस इंस्टीट्यूशन ने मुझे पहचान दी, शुरुआत दी, मैंने उसी के साथ गद्दारी की है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मार दो मुझे। मरने से पहले मैं एक मौका चाहता हूँ। अभी मैं हैदर शेख को रोकने का मौका चाहता हूँ। मैं अपने गुनाहों का बोझ हल्का करना चाहता हूँ अभी, और वो तभी होगा जब हैदर शेख तुम्हारे कब्जे में होगा। मैं जानता हूँ अभी तुम मुझ पर भरोसा इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों मिलकर हैदर शेख को रोकेंगे, आई प्रॉमिस। और जैसे वो तुम्हारे कब्जे में होगा, मैं अपने आप को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो।
सकते हैं। तुम पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है सम्राट, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचाया है तुमने मुझे और मेरे देश को। सोचता था जब तुम मुझे मिलोगे एक एक गुनाह की सजा दूंगा तुम्हें मैं, लेकिन आज जब तुम मेरे सामने खड़े हो तुम पर गुस्सा नहीं आता, मुझे तरस आता है मुझे तुम पर तरस कि तुमने अपनी जिंदगी में अपने जुनून में सब कुछ खो दिया सम्राट। कितने अकेले हो गए हो तुम, सब कुछ खो दिया तुमने, और हम हिंदुस्तानी अपने निहत्थे दुश्मन पर भी वार नहीं करते। तुम तो मेरे दोस्त रहे हो सम्राट, तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूं मैं। तुम्हारा मतलब? मतलब सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपने गुनाहों का बोझ कम करना है ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स अभी, लेकिन हमें जो कुछ भी करना चाहिए वो जल्दी करना चाहिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे दिमाग में एक प्लान है, तुम घबराओ मत अभी, हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे, और मैंने जो कहा है मैं वो करके दिखाऊंगा, और इस कामयाबी की तरफ हमारा पहला कदम होगा तुम्हारी आजादी, क्योंकि तुम्हारी आजादी के बगैर हैदर शेख की बर्बादी नहीं हो सकती, नामुमकिन है। और मेरा मकसद उनको सजा दिलाने के साथ साथ तुम्हारी वर्दी पे जो दाग लगा है उसे भी मिटाना है। आखिर ये वीर सर और हॉक्स की इज्जत का सवाल है। जिस शख्स ने, जिस टीम ने मुझे पहचान दी, इज्जत दी, शुरुआत दी, मैं उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा, मरकर भी नहीं।